हाय गाइस, इट्स मी डेली हाइट बार। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोना टेल यू द मोस्ट ब्यूटीफुल कैफेज इन चंपा गली। चंपा गली एक शानदार जगह है। ये हौस खास की तरह भीड़भाड़ वाली जगह से बिल्कुल काफ़ी अलग है, बहुत शान जगह है। यहाँ पे काफ़ी सारे आपको कॉफ़ी हाउस, क्लासिक हैंडमेड आर्ट एंड क्राफ्ट और बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग रूप से बनाए गए स्टूडियोज़, ये सब आपको चंपा गली में मिलेंगे। एंड साथ ही में यहाँ पे आपको बहुत ही टेस्टी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डिशेस मिलेंगी। अपनी जो शाम है वो स्पेंड कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जाकर। तो ये जो जगह है अपनी लिस्ट में आप शामिल कर सकते हैं अगर आप चंपा गली विजिट कर रहे हैं। तो पहला है जगमग ठेला। इफ़ यू नो चंपा गली देन यू नो जगमग ठेला। एक दोस्त के साथ लंबी बातचीत और घूमने और आराम करने के लिए एकदम सही जगह है जगमग ठेला। यहाँ पे वियतनामी जो कॉफ़ी है वो ट्राई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट पिज़्ज़ा, पास्ता, सैंडविच एंड डेजर्ट आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत ही यमी होते हैं। वेल, जगमग ठेला का जो एक्चुअली में व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और आपको इस जगह पे ना बार बार आने का मन करेगा। ये इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत जगह है। सो अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं तो मैं आपको एड्रेस बता दूँ। वो चंपा गली पड़ेगी साकेत में। साकेत का मेट्रो स्टेशन आपको नियर बाय, वहाँ से आप ऑटो करके जा सकते हैं चंपा गली। वेल, ये जो पूरा एड्रेस है मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, आप एड्रेस देख के डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। खसरा नंबर 258, लेन नंबर 3rd एंड वेस्टर्न मार्क के पास पड़ेगा। और अगर मैं दो लोगों की मील की बात करूँ जगमग ठेला में तो आपको 1000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली पड़ जाएगा। टाइमिंग्स की बात करें तो ये मॉर्निंग में 11:30 ओपन हो जाता है, इवनिंग में 8:30 क्लोज हो जाता है। सो जो सेकंड कैफ़े मेरी लिस्ट में है चंपा गली का, उसका नाम है सोशल स्ट्रीट कैफ़े। वेल, यहाँ पे आपको फेरी लाइट्स ओवर योर हेड एंड कूल ग्राफ्टी ऑल अराउंड द वॉल्स, फंकी इंटीरियर्स। वेल, दिस प्लेस हैज़ सम रियली कूल डिशेज लाइक द लवली स्वीट हार्ट डेजर्ट एंड देयर स्पाइसी सोफिया पिज़्ज़ा। सो गाइज, हेड हेयर एंड ट्रीट योर सेल्फ, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू गाइज। एंड यहाँ पे जो दो लोगों की मील पड़ेगी आप लोगों को 800 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली पड़ेगी। गो एंड ट्राई। सो अगर आप यहाँ पे जा चुके हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा, आपको कौन सा जो कैफ़े है वो ज़्यादा पसंद आया। थर्ड कैफ़े जो मेरी लिस्ट में है उसका नाम है बारीवल। चंपा गली में काफ़ी सुंदर सुंदर बहुत ही प्यारे कैफेज़ हैं। वेल, बारी की अगर बात करूँ तो इसकी जो वॉल्स हैं वो ब्लू हैं एंड ग्रीन टोन में पूरा पेंट है। और यहाँ पे आपको काफ़ी छोटे छोटे प्यारे प्यारे प्लांट्स से पूरा का पूरा डेकोरेट मिलेगा ये। और इंडोर आउटडोर में ना बहुत ही प्यारी फेयरी लाइट्स हैं जो आँखों के लिए ना बहुत एक तरीके से बहुत ही अच्छी लगती है जब ये लगी होती है। तो ये यहाँ का जो एम्बियंस है बहुत ही एथेस्टिक एम्बियंस है और इसका जो फर्नीचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इसकी जो थीम को है वो बहुत ही अच्छा सूट करता है, बहुत ही क्यूट लगता है। वेल, ये आपके लिए जो ना आपकी ईस्टर स्टोरीज के लिए यहाँ पे अगर आप फोटोज़ क्लिक कराएंगे ना तो परफेक्ट जगह है। और ये गिनी चुनी जगहों में से एक है। यहाँ का जो खाना है ना, जो फूड है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और आप एक्चुअली में ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो। यहाँ का आप जो ट्राई कीजिएगा इंडियन चिकन बर्गर, ग्रिल पनीर सैंडविच, स्पैनिश एंड चीज़ ऑमलेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यहाँ का। तो अगर आप यहाँ पे विज़िट करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे दो लोगों का जो मील होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 800 रुपीज़ में दो लोगों का हो जाएगा। फोर्थ कैफ़े जो मेरी लिस्ट में है उसका नाम है सोहो ब्रिस्टो एंड कैफ़े। वेल, यहाँ की फंकी लाइट्स, कलरफुल इंटीरियर और सुंदर बैकयार्ड के साथ बेस्ट ब्रेकफास्ट के लिए ये कैफ़े जो है और हैंग आउट करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस है। यहाँ पे आप जो टेस्ट कर सकते हैं वो है मशरूम एंड चीज़ ऑमलेट एंड बनाना कैरेमल पैकेज, बेल्जियम की चॉकलेट शेक जैसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही यमी हैं, टेस्टी है, आप जाके ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं मील की बात करूँ यहाँ पे दो लोगों की तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज़ हो जाएगा। वेल, इट डिपेंड्स ऑन यू गाइस कि आप लोग क्या ऑर्डर कर रहे हैं और कितने लोग जा रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन द फूड एज वेल। सो गाइस, जाइए एंड ट्रीट योरसेल्फ। अगर आपको इनमें से कोई भी कैफ़े अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कौन सा कैफ़े अच्छा लगा। इसके अलावा किसी अच्छे कैफ़े का आपका एक्सपीरियंस है जो कि चंपा गली में है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिफ्थ कैफ़े जो मेरी लिस्ट में है जिसको मैं मोस्टली फ्रिक्वेंटली विजिट करती रहती हूँ उसका नाम है द नाडी इंडियन। वेल, द नाडी इंडियन इज़ फेमस फॉर वेल बींग नाडी, गिविन अ फ्री बुक विथ एवरी मील ओवर 500 रुपीज़ एंड द नाडी
गार्डियन बिकम्स द परफेक्ट प्लेस टू कर्ल अप विद अ बुक एंड एंजॉय द गुड फूड। यहाँ पे आप दो लोग की जो कॉस्ट आएगी अप्रॉक्सीमेटली 900-1000 रुपीस के बीच में आएगी। अगर मैं टाइमिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पे ये ओपन हो जाता है 12:00 इन द आफ्टरनून एंड 10:30 इन द इवनिंग और 11 PM के अराउंड ये क्लोज हो जाता है। तो जाइए, जाके टेस्ट कीजिए इनकी डिशेज, इनका एम्बियंस देखिए। बहुत ही अच्छी पीसफुल सी चंपा गली है। अगर आप नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर ये मेरी 5 कैफेज की सजेशन आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए अपना एक्सपीरियंस। नहीं गए हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। सो गाइज, अब मैं आपसे मिलती हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब योर चैनल। साथ ही बेल आइकन भी आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिएगा, इससे भी नई वीडियोज़ की अपडेट आप लोग को मिल जाएगी। मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ, इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर। तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं बाय द सेम नेम, दिल्ली हाई पारुल। अब मैं आपसे मिलती हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय गाइस, टेक केयर।